25 अगस्त 2023 ब्रह्म कुमारी संस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। उस क्षण संस्थान के हर सदस्य को गर्व का अनुभव हुआ जब राष्ट्रपति भवन में देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 16वीं पुण्यतिथि पर उनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरे विश्व में संचार करने वाले दादी प्रकाशमणि जी एक बार फिर सभी के हृदय में जीवंत हो उठी जब स्वयं महामहिम राष्ट्रपति ने उनके महान व्यक्तित्व का दर्शन कराया। आज हम सब दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में कस्टमाइज्ड माय स्टाम्प का विमोचन करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज के 16 वर्ष पूर्व 25 अगस्त के ही दिन दादी प्रकाशमणि जी का देहावसान हुआ था। मैं दादी प्रकाशमणि जी के कस्टमाइज्ड माई स्टाम्प के विमोचन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दादी प्रकाशमणि जी लगभग 4 दशकों तक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रशासनिक प्रमुख रही। 70 वर्षों तक उन्होंने लोगों में ईश्वर के प्रेम का संदेश प्रसारित किया। उनके प्रभावी नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारी संस्था एक छोटे से परिवार से आगे बढ़ते हुए विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संगठन में परिवर्तन हो गई है। दादी प्रकाशमणि जी के जीवन से ये आदर्श प्रस्तुत होती है कि एक महान आत्मा ही प्रेम का संचार कर सकती है। महान आत्मा सदा विनम्र होती है। ऐसे शक्तिशाली आत्मा ही अन्य लोगों को आंतरिक रूप से सशक्त बना सकती है। इस अविस्मरणीय पल में खास तौर पर मौजूद दूरसंचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बिजमोहन और ओआरसी के निदेशक बीके आशा ने दादी जी के महान व्यक्तित्व का जिक्र किया और उनके अनुकरणीय योगदान की महिमा की। और इसी पल में हमारा विभाग ये जो स्मारक डाक टिकट जारी करने जा रहा है, मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस पल का भागीदार हूँ। इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने माताओं और बहनों ने शुरू से ही बहनों को आगे रखने का फैसला लिया। इसी के कारण विश्व की अन्य सभी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं के बीच ब्रह्मा कुमारीज का एक अलग अस्तित्व है। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के बारे में कुछ बताना मतलब सूरज को दिया बताने के बराबर होता है। और हमारी एक संकुचित समझ और इसके समझ के मापदंड से हम हमारी पुटपटी से अगर हिमालय को नापने जाए तो वो कितना ठीक नहीं लगेगा, वैसा ही राजयोगिनी प्रकाशमणि जी के बारे में बताना वैसा ही। वो चीफ होते हुए भी कहती थी कि हेड को हेड नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेड समझते हैं तो हेडअप होता है। 140 देशों के भाई बहन अपने आप को आत्मा समझकर और जो हमारा भारत का लक्ष्य रहा है विश्व बंधुत्व कि सारा विश्व एक है, हम आत्माएं भाई भाई हैं, उसको करके दिखाया। एक प्रकार से दादी जी भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के निमित्त बनी हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दादी जी ने अपने जीवन में कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी ने उनके इस कार्य को पावन रीति से 40,000 बहनें क्रिएट करके एक उन्होंने शिव शक्ति सेना, जिसको हम कहें अहिंसक है, आध्यात्मिक है, ऐसी तैयार की है। और आज उस अवसर को, उस कार्य को हम चरितार्थ करते हैं, वंदन नमन करते हैं। और जो भारत सरकार के द्वारा पोस्टल स्टैम्प निकल रही है उसका अभिनंदन करते हैं।
यह तीसरा अवसर है जब संस्थान के विभूतियों के नाम डाक टिकट जारी हुआ है। इसके पहले संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी और अब फिर दादी प्रकाश मणि जी का नाम इस उपलब्धि में शामिल हो गया। गौरतलब है कि दादी प्रकाश मणि जी के कुशल नेतृत्व में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से विश्व के 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्था व आध्यात्म का वर्चस्व स्थापित करने और अपने आदर्श जीवन से 40,000 से भी अधिक बहनों को विश्व सेवा में समर्पित जीवन बनाने की प्रेरणा देने का ये पुण्य परिणाम ही है जो इस दिन को विशेष विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सुखद मौके पर संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और संस्था के मुख्यालय माउंट आबू समेत देश के अनेक स्थानों से आए हजारों लोग इस महान पल के साक्षी बने।